नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। तो संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार है और लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से हंगामे हो रहे हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। मामला जेएनयू का हो या महिषासुर का मामला हो, महिषासुर के मामले को लेकर के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने एक लेटर पढ़ा है और उसमें उन्होंने जो बातें कही उसको लेकर के विपक्ष ने आपत्ति जताई है और विपक्ष ने कहा है कि स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा है कि वो जो लेटर है जिसमें माँ दुर्गा और महिषासुर का जिक्र किया गया है, वो दरअसल जेएनयू के छात्रों के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था और वो उसी को पढ़ रही थी। तो इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि जिस महिषासुर के मामले में स्मृति ईरानी काफी आक्रामक नजर आ रही थी, उसी महिषासुर के शहीद दिवस में उदित राज शामिल हुए थे 2013 में, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी से सांसद हैं। तो अब इस पर आक्रामक विपक्ष नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष के पास शायद थोड़ा सा पीछे जाकर के सोचने का वक्त आ गया है। तो उदित राज जो बीजेपी सांसद हैं, वो 2013 में जेएनयू में जब महिषासुर का शहीद दिवस मनाया गया था उसमें शामिल हुए थे और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था और कहा था कि महिषासुर का शहीदी दिवस जो लोग मना रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी गए थे। वैसे रोहित वेमुला का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है और रोहित वेमुला के मामले में जिस तरह से नोकझोंक मायावती और स्मृति ईरानी के बीच हुई, उसी के बाद यानी आज रोहित वेमुला के घर वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि स्मृति ईरानी झूठ बोल रही हैं और देश को धोखा दे रही हैं और साथ में ये भी मांग किया कि प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। एक के बाद एक संकट, अब धर्म संकट। देश के हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। देशभक्ति और देशद्रोह की ये बात अब धर्म संकट तक पहुंच चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पहले तो अपने जवाब से सबको चुप करा दिया और खूब वाहवाही भी लूटी, लेकिन अगले ही दिन स्मृति ईरानी अपने ही एक बयान पर फंस गई और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। दरअसल स्मृति ईरानी ने जेएनयू मामले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां माँ दुर्गा और महिषासुर के विषय में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए और कहा, दे वर थ्रेटन्ड, बीटन, क्लोथ्स टोर्न, ड्रैग्ड इनसाइड, बीटन, ग्लास ब्रोकन, दे अपील, वी आर नॉट पॉलिटिकल इन नेचर बट वी आर असॉल्टेड, दे अपील, दे से देयर इज अ अटेम्प्ट टू डिफेम आवर कल्चर, वी आर थ्रैश्ड, दे से, एंड व्हाई आर दे थ्रैश्ड? They are thrashed because they raised their voice against Mahishasur Day. Mahishasur Day is, and I describe, read out, Durga is a controversial racial festival, Durga Puja, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native named Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. After they fail to defeat him, they hire a sex worker called Durga. इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के इस कदम को आपत्तिजनक बताते हुए माफी मांगने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी और बीजेपी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि बीजेपी के सांसद उदित राज भी साल 2013 में महिषासुर के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वहीं विपक्ष की माने तो स्मृति ईरानी ने जानबूझकर बिना वजह धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इस मुद्दे को सदन में उठाया। वजह चाहे जो भी हो, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और जो वक्त देश के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए दिया जाना था, वो अब धर्म और अधर्म की चर्चा करने में जा रहा है। चैनल वन न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट।
तो ये बजट सत्र जिस पे पूरे देश की निगाह है और बहुत सारी उम्मीदें हैं, रेल बजट पेश किया गया, आम बजट भी पेश किया जाना बाकी है, लगता है कि पहले जो सत्र चल रहा था और जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा था, वैसी संभावना, बल्कि अगर आशंका कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आशंका जताई जाने लगी है कि ये भी हंगामेदार ही सत्र रहेगा और शायद काम इस बार भी बहुत ज्यादा ना हो सके, जिस तरह से रुख दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, महिषासुर का मामला हो, रोहित वेमुला का मामला हो, जेएनयू का मामला हो और भी दूसरे मुद्दे हो, सबको लेकर के खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन जो अपेक्षित चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिस पर देश की निगाहें हैं, उस मुद्दे को छोड़ दिया गया है। बहुत सारे बिल्स हैं जिसे पास कराया जाना है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सबको पीछे छोड़ करके इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवा दें, परिचय करवा दें, तारुफ करवा दें। हमारे साथ इस वक्त हैं सैयद इरफान रसूल, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सैयद इरफान रसूल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता अशोक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कविता अशोक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं डी के गिरी, वरिष्ठ पत्रकार डी के गिरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दयाराम त्यागी, जो कांग्रेस के नेता हैं, दयाराम त्यागी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दो और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, जिसका हम परिचय कराएंगे। हम शुरुआत करते हैं दयाराम त्यागी से। दयाराम त्यागी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, आप कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष में है कांग्रेस, जिसको उठाया जाना चाहिए था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? महिषासुर, जेएनयू और भी दूसरे मुद्दे इस तरह के हैं जिससे शायद देश के आम लोगों को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे अहम मुद्दे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है, जिन आप मुद्दों की बात कर रहे हो, उन मुद्दों को भटकाना ही एनडीए गवर्नमेंट का सबसे सर्वप्रथम प्रयास ये रहता है कि जो असली मुद्दे हैं, जिनके ऊपर वो चुनाव जीत करके आए हैं, उनको डाइवर्ट करना। पिछले दो साल से, जब से एक एनडीए गवर्नमेंट आई है, तब से देख रहे होंगे। और सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिस इस देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी, और उसके बाद जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुए, उन्होंने एक आधुनिक, एक भारत का एक निर्माण की एक नींव रखी, जिसको आगे बढ़ाया, जितने को छुआ जा सकता था ना। सर, मैं आ रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रहे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, चाहे वो राजीव गांधी जी रहे, राजीव गांधी ने तो 21वीं सदी का एक ले जाने की एक बात करी, और उसके लिए प्रयास भी करा, उसके लिए काम भी हुआ। लेकिन मैं उसी बात पे कह रहा हूँ, आज हम बजाय आगे बढ़ने के, आज हम पीछे जा रहे हैं, 18वीं शताब्दी की तरफ जा रहे हैं। ये जो देखिए, एक जो अब इसकी आप बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कहां से एक निकाल करके लेके आए हैं। बजाय हम इन मुद्दों पे बात करें, आज भी इस देश के अंदर गरीबी इतनी है, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जहां ना पे वहां पे लाइट है, बजाय इस चीज के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करें। उठा रहे हैं आप, सर, आप ये देखिए ना, शुरुआत किसने करी है? आप ये देखिए, स्मृति ईरानी एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक इंडिया, एक जो हिंदुस्तान की एक सरकार है, उसके अंदर एक जिम्मेदार एक पद पे रहते हुए, मतलब इस बात का क्या औचित्य आप इस बात की उठाते हैं? और इस तरीके की जिस बात को लेकर के माफी की मांग कर रहे हैं, दरअसल वो एक पर्चा उन्होंने जो पढ़ा था, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो जेएनयू के छात्रों के जरिए छपवाया गया। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है देश को आगे ले जाने के लिए, देश के अच्छे कार्य करने के लिए। एक मंत्री होने के नाते कल भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े एक लेटर दिखा रही थी कि उसने एक एडमिशन के लिए लेटर लिखा। ये सब एक बिना मतलब की एक बात है, कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली बात। एक जैसे आप इसकी बात आप कर रहे हैं, एक विपक्ष ने मांग रख दी कि आप इसके अंदर माफी रखो, कल की आप उनकी एक बहस देखेंगे। एक अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात आप रखें, अपनी बात आप कहें, लेकिन जैसे एक सीरियल के अंदर ये काम कर रही हो, ठीक है, सीरियल से आई है, टीवी स्टार है, सब कुछ है। राम जी, पर्सनल अटैक ना करें, वो कहीं काम कर रही हूँ। मैं वो नहीं कह रहा, बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अपना सिर काट करके आपके चरणों में रख दिया। अरे, वो आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप वो सवाल कर रहे हैं, आप उनका जवाब दो उनको। ये इस तरीके की बातें करना, ये एक बाधा पहुंचाना ही तो है। ऐसे कैसे संसद चल जाएगी? आप इस तरीके की बातें, इस संसद के ऊपर तो बाधा तो अपने आप ही होगी, जब आप इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। होती आप महिषासुर की बात करें, देखिए मेरी बात चलाने में विपक्ष की भी भूमिका, सर, विपक्ष से ज्यादा सरकार की एक भूमिका होती है। जब सरकार इस तरीके के बयान दे रहेगी, महिषासुर की आप बात करें, देखिए ये आप किसी के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पे इतनी जातियां हैं, इतने धर्म है। किया गया था दयाराम त्यागी,
जो पिछली सरकार के जमाने में परंपरा को स्थापित किया गया था उसी परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हंगामा सत्र में रुकावट, पीछे एक आप देखो, आपने देखा होगा इस तरह के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते जब पिछली गवर्नमेंट थी। एक तकरार अगर होती विपक्ष की तरफ से हंगामा होता था और आप कहते थे सदन की कार्यवाही चलने दिया जाए, आप वही काम आप कर रहे हैं। आप मैसा सुर की तुलना आप उससे मत करें। मान लिया एक कोई एक इशू है उसके ऊपर संसद ठप कर रहे, एक देश को एक देश के जिसमें फायदा हो देश जिससे आगे हमारे साथ अब उसके ऊपर बहस होती थी। मैसा सुर के ऊपर आपने कभी पार्लियामेंट के अंदर बहस सुनी? अरे वो धर्म अपने धर्म को मानने वाले लोग सब कुछ भटका हुआ जी। रावण की पूजा भी होती है इस हिंदुस्तान के अंदर, उसकी मूर्ति स्थापित हो रही है। जयराम जी लगता है कि बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जवाब इसका लेंगे, लेकिन कविता अशोक हमारे साथ मौजूद है वो भी इस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए कोई अपमान नहीं सहेगा, अगर देवी देवताओं का अपमान होगा इस देश में तो वो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। अगर कांग्रेस इसकी सियासत करना चाहती है तो शायद वो गलत है, पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी संसद को चलाने में होती। कविता अशोक जी कैसे देखती हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं तो इस बात को ऐसे शुरू करना चाहूंगी कि एक बहुत खूबसूरत सा श्लोक है जो हम पढ़ते हैं जब देवी की पूजा करते हैं कि देवी देही सौभाग्य आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशम देही द्विशो जही, कि हे देवी तुम सौभाग्य देने वाली हो, तुम मेरे मेरी रूप की यश की और मेरी जीत की रक्षा करो और मुझे आरोग्य दो, मतलब मेरा शरीर सब बीमारियों आक्रोशों से दूर रखो। जिस देवी की इतनी महानता है और इस देश में खाली एक बंगाल को ना माने आप, जैसे वो कह रहे थे कि कलकत्ता में वो चैलेंज कर रही थी स्मृति ईरानी की कल की आई और इसका जवाब दीजिए, पूरे देश में इस देवी की बहुत मानता है। तो मुझे तो ये दुख है कि इतना कुछ हिंदुस्तान में चल रहा है, आग बबूला हुआ पड़ा है, इधर देखिए तो आप वो जाटों का आरक्षण देखिए, कहीं जेएनयू में हंगामा हो रहा है, वो सब छोड़ के और ये पुरानी एक चिट्ठी निकाल के इसको उछाल करके और बीच में देवी और महिषासुर का किस्सा कहां से आने का मतलब था? कविता, तो मुझे तो जस्टिफाइड लग नहीं रहा है। महिषासुर का जो दिवस मनाया जाता है जेएनयू में, क्या ये सही हमने है? तो पहली बार सुना है जी, मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि महिला 2012 में मनाया गया था, 2013 में उदित राज वहां मनाया गया होगा, मगर जैसे आप कह रहे थे उदित राज जो तब थे वो तब बीजेपी से बीजेपी में नहीं थे, तब बीजेपी नेता जुड़ेंगे वो जवाब बीजेपी देंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अगर महिषासुर दिवस मनाया जाता उसको कैसे देखती हैं? जैसे वो देखिए दिवस आजादी की बात की जाती है, दिवस मनाना कोई गलत नहीं है, मगर अगर दिवस में ऐसी बातें हो रही हैं जो इतनी तरह से एक तिरस्कृत था, आपत्तिजनक प्रयोग किया गया है, मैंने पूरी स्पीच सुनी कल दो बार बिल्कुल, और बड़ी शर्मनाक सी जो प्रेजेंटेशन थी और पूरी उसकी लाइंस थी, तो आपत्ति तो जो आप पूछेंगे सारी जनता को हमारे जैसे लोगों को ये, हमें कहां जाना था और कहां चले गए, शायद हम रास्ते से भटक रहे हैं क्या? हाँ एक तरह से तो भटक ही रहा है, लेकिन ये जो अपना भाषण में स्मृति ईरानी जेएनयू को मुद्दों को लेके जेएनयू में जो तथाकथित प्रगतिवादी फोर्सेस हैं उनको खिलाफ करते हुए ये टिप्पणी दी। और आपने जैसे फैज साहब कहा कि उन्होंने एक जो पर्ची जो बांटा गया था महिषासुर को जो मानते हैं 7 दिवस मनाते हैं उस पर्ची को कोट की उल्लेख की, लेकिन पार्लियामेंट में किस तथ्यों को रखना चाहिए मानव विकास मंत्री होते हुए वो घिनौना पर्ची को उनको कोट करना चाहिए था क्या, ये एक मुद्दा है। लेकिन अगर ये पर्ची छापी है तो वो जेएनयू में छपी है, जेएनयू को छवि दिखाना चाह रही थी, लेकिन उनको करना चाहिए था। गिरी साहब कहीं भी कोई चीज कोट कर रहे हैं तो कोट करने में अगर किसी ने कोई इल्जाम किसी पर लगाया है तो हम वो इल्जाम नहीं लगा सकते, हम ये कोट कर सकते हैं कि जैसा ये कहते हैं या जैसा इसमें कहा गया पहले उसकी सफाई पेश कर दी जाती, पहले वो बात बता दी जाए। असल में ये हुआ कि अगर कोई बात कही जा रही है तो शायद वो एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कही जा रही है, शायद विपक्ष ने ये इल्जाम लगाने की कोशिश की और माफी की मांग की कि माफी मांगनी चाहिए उनको, मुझे ये लगता है कि शायद ये बात हुई। नहीं नहीं बात ये नहीं है, बात ये देखिए ये मेरे पास स्टेटमेंट है, उसने स्टेटमेंट अक्टूबर 4, 2014 को जो छपी थी ST SC माइनॉरिटी स्टूडेंट JNU उसको कोट की, और कोट करने से पहले उसने ये भी कहा May God forgive me for reading this. हाँ, बोला ये भी बोला था, इसलिए उल्लेख की थी वो कोर्ट करने, डेट भी किया था किसने इसको छापा था। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि किस तथ्यों को, तथ्य बहुत होते हैं, पार्लियामेंट में रखना चाहिए। तो स्मृति ईरानी बेसों को ना कर रही हो, लेकिन जिस चीज गंदी चीजें बाहर कह गया हो जिसमें लोगों का भावना को ठेस पहुंचे हो उसको उसको कहना चाहिए का। देखो, मैं यही कह रहा हूँ वो गलत हुआ, उसका एरर ऑफ जजमेंट उसका हुआ। सवाल का जवाब अगर दिया जा रहा है तो सवाल का जवाब
देने के तरीके, पहली बात आपने कहा कि ये रखना, क्योंकि पार्लियामेंट का एक समय होता है, बहुमूल्य समय है और बजट सेशन हमारा चल रहा है, इन चीजों पर चर्चा न करके, क्योंकि पहले भी इस पे आपसी सहमति बनाई जाती है कि काम चल सके और बजट सेशन को का इम्पोर्टेंस जो है उस पर बात हो सके, देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन ऐसी चीजें जो आई या लाई गई, मुझे लगता है विपक्ष भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, कि विपक्ष को लगता है कि हंगामा जो है वो सिर्फ पक्ष की तरफ से नहीं, विपक्ष की तरफ से भी होता है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल, इसमें मैं एक शब्द कहना चाह रहा हूँ, प्रोफेसर, मैं विपक्ष कांग्रेस या बीजेपी हो, कोई हो, मैंने लिखा है, एक मैं ये कहूंगा, ये तो ये कहना है कि तुम ट्रक के नीचे आके मरोगे या ट्रेन के नीचे आके मरोगे, ये दोनों पार्टी तो हमारे देश में ऐसा है कि भाई एक ट्रक है तो दूसरा ट्रेन है, मरना उसका अंदर देश हित में नहीं है। आम जनता अगर सवाल पूछे और ये जानना चाहे कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उस पर कितना खर्च आता है, किस तरह चलती है, कैसे ये लोग आते हैं, और जाहिर की बात है जनता की गाड़ी कमाई है, और कैसे जनता की गाड़ी कमाई है, जी बिल्कुल, जनता हिसाब मांग सकती है, जवाब मांग सकती है, ऐसा नहीं है, ये लोकतांत्रिक लोक प्रक्रिया है, यहाँ तो जवाब सभी मांग सकते हैं। और मुझे लगता है कि जनता सवाल उठाना जनता ने शुरू कर दिए कि भाई हाउस में क्या हुआ, क्या रिजल्ट रहा, क्या निकला, क्या कंक्लूजन हुआ, जिस तरह भी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो इस पर बात हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपने चर्चा से पहले बहुत एक अच्छी बात कही कि आप पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिना जाने जेएनयू में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि उनको ये जो बोलने का आजादी को दबाए जा रहे हैं, किसका बोलने को आजादी को, किस बोलने को आजादी, बिना जाने अब तब से चुप हो गए। कांग्रेस का भी इसमें इस बात को बवाल पार लगाने में उनका भी जिम्मेदार, सोचे समझे आप पहुंच गए जी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने लगते हैं, जबकि इल्जाम है कि वहां देश विरोधी नारे लगे। और बात बीच में कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि जब भी अगर ये ऐसे महिषासुर का कुछ जो कोटेशन आई है जो स्टूडेंट्स ने उस इवेंट में करी है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस समय जो जेएनयू की जो कॉलेज की अथॉरिटी थी उन्होंने क्यों नहीं रोका ऐसे इवेंट को, ना तभी स्टॉप कर देना चाहिए जब शुरुआत हो रही है ऐसे खतरनाक काम की, क्योंकि बाद में कोई भी चिट्ठियां उठा करके उसको देखो, अब उस बात को तिल का ताड़ बना करके और सारी उसमें लोग लड़ने को लगे, असली देश के जो मुद्दे हैं वो एक कोने में पड़े, जी असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं, असली मुद्दे तो शायद मैं जेएनयू का हूं, मैं थोड़ा बात आपको साफ कर दूं, मैं जेएनयू का हूं, जिस उदित राज को कोट कर रहे थे और रामराज जी पहले थे, वो मेरा क्लास फेलो हैं, महिषासुर के मीटिंग में भाषण देने के लिए मुझे भी एक बार बुलाया गया था। तो इसका ये जेएनयू में ये परंपरा चलते आ रही है, लोग हर तरह की चीजों को चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार जो देश विरोधी स्लोगन लगा ये अनोखी चीज हुआ है। लेकिन जेएनयू में हमारा देश में धर्म निरपेक्ष के नाम पे धर्म के बारे में चर्चा क्यों ना, महिषासुर के बारे में क्यों नहीं कर सकते, मुझे लड़कों ने रुका, महिषासुर के बारे में चर्चा करें, और जिस तरह से कोट किया गया है, जो जुमलों का इस्तेमाल किया गया है, शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो तो ऐसी ऐसा शब्द है कि मैं भी नहीं बोल सकता, एब्सोल्युटली गलत है वो, मैं भी नहीं बोल सकता, मुझे एबीवीपी के लड़कों ने मुझे भी रोका, तुम भाषण दे नहीं सकते वो महिषासुर के बारे में, मैंने कहा क्यों नहीं दे सकता, नहीं ये हमारा भावना कि तुम अपना मीटिंग करो, दुर्गा जी को पूजा करो, लेकिन ये लोगों का भावना भी था कि महिषासुर एक विक्टिम था, उसको मारा गया था गलत, वो सब ठीक है, ठीक है, लेकिन अपमान पे बात किसी का अपमान नहीं कर सकते, नहीं बात कर रहे हैं, बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते, आप किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में धर्म धर्म को लाए मत ना, धर्म को पर्चे की को लेकर के चर्चा हो रहा है, उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो ऐसा शब्द है कि शायद वो बोलने में काफी कठिनाई होगी, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, हालांकि एचआरडी मिनिस्टर ने इस बात को बोला है, और जब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि महिषासुर दिवस आयोजित करने वाले जो थे अनिल कुमार, उन्होंने कहा है कि जो पर्चा पढ़ा गया है स्मृति ईरानी के जरिए वो दरअसल वो पर्चा नहीं है जो उन लोगों ने छपवाया था, ये उसका इल्जाम है, हो सकता है तो क्योंकि तो उसमें दो लड़के थे, उस पर्चे की ऑथेंटिसिटी चेक हो जानी चाहिए, चलिए जी बिल्कुल चेक कर लेनी लेकिन, लेकिन लेकिन जी पर्चे कहां से आए, कौन किसको क्या मिला, तब भी पार्लियामेंट में उल्लेख नहीं होना चाहिए, दोनों बातें क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी बातें बोली जाए जो देश हित में ना हो, या क्या ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश की जाए जिससे देश का कोई वास्ता ही नहीं हो। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक हमारे साथ बीजेपी की नेता भी जुड़ जाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो धर्म संकट, दरअसल मामला यह है कि महिषासुर दिवस मनाए जाने को लेकर के संसद में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी से माफी की मांग की, तो एचआरडी मिनिस्टर ने महिषासुर दिवस मनाए जाने पर एतराज जताया। लेकिन उस वक्त और मामला उलझ गया जब ये बात निकल करके सामने आई कि बीजेपी के सांसद उदित राज 2013 में महिषासुर दिवस में शामिल हुए थे और उन्होंने वहां संबोधित भी किया था। उसके बाद काफी हंगामा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन सब मुद्दों से हटकर उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता देशवासी महसूस कर रहे हैं। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, एक बार फिर इंट्रोडक्शन करवा दें मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ममता काले, जुड़ गई हैं, बीजेपी की नेता हैं जिनका इंतजार हो रहा था। ममता काले, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कविता अशोक के बारे में हमने पहले ही बता दिया था, एक बार फिर से दोबारा से स्वागत कर लें। और संजय हिंगोले, दलित नेता हैं ये, संजय हिंगोले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दयाराम त्यागी, डीके गिरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सैयद इरफान रसूल किसी कारणवश जा चुके हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत में सबसे तो हमने कमेंट ले लिया था, प्रतिक्रियाएं ले ली थी, लेकिन फर्ज बनता है कि सीधे ममता काले के पास चले। ममता काले, ये सब जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, जिसपे हंगामा हो रहा है, गतिरोध हो रहा है, संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है, इन सब चीजों की आवश्यकता है क्या? देखिए, जितनी भी ये बातचीत हो रही है आदरणीय स्मृति जी के संबोधन के पश्चात सदन में जो उन्होंने किया कि महिषासुर की जो एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट जो बहुत सारे राजनेता हैं ऑपोजिशन पार्टीज के वो लेकर के बैठ गए हैं, मैं सबसे पहले उन सबसे ये बोलना चाहती हूँ और उनसे ये पूछना भी चाहती हूँ कि भारतवर्ष के अंदर, भारतवर्ष की राजधानी के अंदर जेएनयू में इतने सालों से महिषासुर शहीद दिवस मनाया जा रहा है, शहादत दिवस मनाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता है? हमारी माइथोलॉजी का मजाक उड़ाया जा रहा है जिसमें उदित राज भी शामिल होते हैं ममता काले, वो उस पर भी मैं आऊंगी, उस पर भी मैं जवाब दूंगी। उनकी उनका शहादत दिवस मनाया जाता है, उनको हमारी माइथोलॉजी का मजाक बनाया जाता है, माँ दुर्गा के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, आपत्तिजनक चीजें बोली जाती हैं। महिषासुर कौन है? वो महिषासुर जो रंभा का पुत्र, महिषासुर एक असुर था जिसने भगवान से, ब्रह्मा से ये वरदान मांगा था कि मुझे अमर कर दो, और अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं, जो मेरे कजन्स हैं, जितने भी देव हैं, ना वो मुझे मार सके और ना कोई पुरुष मार सके, और अगर मुझे मरना ही है, जब ब्रह्मा ने बोला कि मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, तो अगर मुझे मरना ही है तो मैं किसी स्त्री के हाथों मरूंगा, क्योंकि महिषासुर को यह लगता था कि स्त्री बहुत कमजोर होती है, शक्तिहीन होती है, इसलिए महिला मुझे मार ही नहीं सकती है, और महिला को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। तो ये वरदान लेकर के उनको लगा कि वो अजय अमर हो गए हैं, वो महिषासुर। उनको आखिरकार ब्रह्मा विष्णु और महेश को एकत्र होकर के माँ दुर्गा को अवतरित धरती पर करना पड़ा, जब महिषासुर ने तांडव मचा दिया और उसके बाद उनको मारा। वो दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, जो भारत माँ में प्रत्येक हिंदुओं की आस्था के अंदर है, उस दुर्गा के बारे में, उस दुर्गा के बारे में जेएनयू के अंदर कावेरी हॉस्टल में एएसएफ एआईएसएफ के स्टूडेंट्स एक कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम में पर्चे भी बांटते हैं। तब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे, वो तब भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा नहीं थे। भाजपा में शामिल होने से सही हो गया, नहीं उन्होंने उससे पहले सामाजिक तौर पर जो भी किया वो उनकी समस्या है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप पहले मुझे ये बताइए, तब नहीं थे अब है? आप मुझे ये बताइए, आपको मैं बताऊं, उदित राज ने कहा है, जी जी जी, मैं आपको, पहले वो गलत थे जी, उदित राज ने ये कहा है कि अंबेडकर भी महिषासुर को दलितों का मसीहा मानते थे, ये कहा है उदित राज ने। उनकी व्यक्तिगत सोच है, मैं उससे अग्री नहीं करती, बहुत खूब, उससे मैं अग्री नहीं करती, मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, आपको मुझे बोलने का मौका तो देना पड़ेगा ना, मेरा काम सवाल करना है। एग्जैक्टली, तो माँ दुर्गा के बारे में जो वहाँ पे पर्चे छपे, जो बुकलेट छपी, बांटी गई, उसमें जिस तरीके के शब्दों को लिखा था, इतने डेरोगेटरी रिमार्क्स थे, इतने आपत्तिजनक शब्द थे, और वो शब्द हमारे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी जो हमारा देश कल को बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, वो उसको फैला रहे हैं इतने सालों से, और उन्होंने वो चीजें वहां पर बांटी हैं। और अगर उसको लेकर के ये बात की गई सदन में कि हमारा विद्यार्थी ऐसी सोच रखता है,
हिंदू देवी के खिलाफ और हमारी माइथोलॉजी की मखौल उड़ाई जा रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसी सोच विचार क्यों रही है, उस सोच को बदलना चाहिए। वो बात नहीं कर रहे हमारे राजनेता, हमारे राजनेता ये कह रहे हैं कि ये बात उठाई क्यों गई। ममता काले मुझे एक चीज समझाएं, उदित राज जब बोलते हैं तो वो उनकी अपनी निजी राय होती है, लेकिन जब दूसरा कोई बोलता है तो वो अटैकिंग पोजीशन में होता है, वो देश की संस्कृति को बर्बाद करता है, ये दोहरा मापदंड नहीं है? कोई दोहरा मापदंड नहीं कैसे? है मैंने जब उन्होंने वो बातें बोली वो नहीं थे, और दूसरी बात मैंने उनको बोला कि मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूं, मैंने आपको ये बात बोल दी है, लेकिन आज ये सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। परंपरा तो उसी तरह उदित राज के खिलाफ भी बोल दे आप, नहीं, जैसे आप दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, अभी अभी ये बातें बोली जा रही थी कि विद्यार्थी इन सब चीजों के लिए जवाब दे नहीं है। आप मुझे ये बताइए, विद्यार्थी का, विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, विद्यार्थी सही चीज समझने के लिए जाता है वहां पर, विद्यार्थी अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो फ्रीडम हो रही है, सब लोग करेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है, और अगर ऐसी चीजें हुई हैं, भूतकाल में ऐसी चीजें हुई हैं, तो उन विषयों पर वार्ता आज करनी इसलिए आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो निजी राय है, वो निजी राय है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उदित राज बोलने को निजी राय है, इसको विचारों की अभिव्यक्ति कहते हैं। आएंगे आएंगे, नहीं जी आएंगे आएंगे जी, दयाराम त्यागी, संजय हिंगोले को भी बोलने का मौका दिया जाए। संजय हिंगोले, आपने ये डिबेट सुना है, आप पहले से बैठे हुए थे, आपने सारी बातें सुनी है, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को आप? ऐसा है कि तो माइथोलॉजी जो होती है ये मनोरंजन का शास्त्र है। ठीक है बोले, लेकिन थोड़ा सा माइथोलॉजी कह रहे हैं तो माइथोलॉजी इतिहास नहीं होता, वो मनगढ़ंत काल्पनिक पात्रों के आधार पर समाज में एक विचार को फैलाने के लिए बनाई गई चीज होती है। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं आपके की मनगढ़ंत है, आपने पढ़ाई नहीं की होगी, भारतवर्ष की माइथोलॉजी पर भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का भरोसा है और रहेगा, और उसके बारे में कोई भी कुछ गलत बोलेगा वो सहनीय नहीं होगा। और मनगढ़ंत है और एंटरटेनमेंट है माइथोलॉजी, तो हम नहीं, ये आप हिंदुओं ने किस आधार पर बोल रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात किस आधार पर कह रहे हैं? शास्त्र है, मिथक शास्त्र है, मतलब वो तथ्य के आधार पर नहीं है, बहुत सारी चीजें धर्म के बारे में, मतलब कुछ धर्मों के बारे में जो कथा कहानियां होती है, तो वो कथा कहानियां जो काल्पनिक होती है, किसी एक विचार को फैलाने के लिए बनाई जाती है, वो वास्तविक पात्र या वास्तविक इतिहास के आधार पर लिखी गई नहीं होती। अच्छा, नंबर एक तो वास्तविक क्या है, फिर आप ही बताइए। माइथोलॉजी का अर्थ ही होता है मिथक, मतलब जो मिथ्या पर आधारित है, झूठ पर आधारित है, जो सत्य नहीं, नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। संजय, हम थोड़ा डेफिनेशन दे दूंगा उसका। जी संजय, मैं सिंपल कह रहा हूं कि जब वो माइथोलॉजी है वो इतिहास नहीं है, वो सत्य नहीं है, तो अगर महिषासुर को भी कुछ लोग कह रहे कि हम उसका शहादत दिवस मनाते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से माइथोलॉजी को इतिहास बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उनका भी जो कृत्य है, उनका भी जो कृत्य है, वो अंधेरे में जो है मार्गक्रमण करना, मतलब जो लोग महिषासुर दिवस मनाते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? माइथोलॉजी के बारे में तो आपने ये बोल दिया साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? माँ दुर्गा के बारे में आपके क्या विचार हैं? बता दीजिए, उसी में आ जाएगा ना, आ जाएगा, बताइए जी। ममता काले आ जाएगा, जो लोग महिषासुर दिवस मनाते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि उनका ये कृत्य एक प्रतिक्रिया के रूप में है, रिएक्शनरी है। अच्छा, किस चीज की रिएक्शन है? क्योंकि वो, क्योंकि वो लोग हैं जिनको धर्मशास्त्र ने नीच कहा गया है ना, जिनको धर्मशास्त्र ने, क्या बोल रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी, क्या बात कर रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी बात हमें समझ आ रही है, बहुत पीछे चले जा रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में सब अगर स्मृति ईरानी बोल रही है, जी जी आ रहे हैं, जिस चीज का जिक्र किया, जी जी ठीक है, वर्तमान परिस्थिति में उसमें उन्होंने जिक्र किया है नेटिव का, नेटिव कहा है महिषासुर को और दुर्गा को कहा है आर्यन, जो पढ़ा स्मृति ईरानी जी ने जो पढ़ा उसमें, तो इस बात को आपको पकड़ना होगा, हमें तो पकड़ना होगा, दुर्गा की या महिषासुर की नहीं है, ये जंग जो
वास्तव में अभी जो जिंदा लोग इस देश में है उनके बीच की जो अस्मिताएं हैं उसकी ये जंग है। ये जो माइथोलॉजी में जो कैरेक्टर है वो सिंबॉलिक है, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ममता ना जीसस है, ना राम है, ना शंकर है, ना गीता है, ना भागवत है, मतलब सब कुछ ही झूठ है और काल्पनिक है और एंटरटेनिंग है। नहीं, और आप जो है, आप जो है बहुत लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जिनको उनमें मैं भी हूँ सर, मैं भी शामिल हूँ, कि माँ दुर्गा पर मेरी बहुत बड़ी आस्था है, मेरी शक्ति का प्रतीक है और माँ दुर्गा की पूजा मैं दिन रात करती हूँ। और आप कह रहे हैं आपने तो उनके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। लेकिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक दृष्टिकोण और है, माने भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप, जिनके दिमाग के दरवाजे खुले नहीं है, आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए। नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, दरवाजे बंद है। नहीं नहीं, व्यक्तिगत 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 माइथोलॉजी विश्वास के आधार पर है, मिथ प्लस लोगस, नॉट लोगस मीन साइंस, इट्स ए साइंस ऑफ बिलीफ, ठीक है ना, इट कैनॉट बी प्रूव, ये प्रूव हम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का विश्वास पर आधारित ये माइथोलॉजी कहा जाता है, मिथ्या पे नहीं, विश्वास पे, है ना। एक दूसरी बात, लेकिन एक चीज मैं ममता जी को कहना चाहूंगा, असल में क्या है हमारा देश में सेक्युलर कंट्री जो हम कहते हैं, धर्म निरपेक्ष, धर्म का चर्चा भी नहीं होता, धर्म का भी बहुत सारा दृष्टिकोण है, समझ है। कुछ लोग महिषासुर को अगर अपना हीरो मानते हैं उसमें क्या गलत है, लेकिन लेकिन दुर्गा जो है, दुर्गा को भी लोग दैविक शक्ति की मानते हैं, शक्ति का रूप मानते हैं, उनका अपमान करना किसी को अधिकार नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। केरल में केरल में बलि राजा को लोग, केरल पूरा जो कम्युनिस्ट देश है, बलि राजा के नाम पे फेस्टिवल होता है, और लोग कहते हैं कि विष्णु ने बलि राजा को धोखे से पाताल में भेज दिया, ठीक है ना, तो अलग बात है। इसीलिए धर्म के ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। तो आपका जो दृष्टिकोण धर्म का है वो सही है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाकी लोगों का जो महिषासुर को हीरो मानते हैं, इसमें आपको क्या एतराज है? महिषासुर शहादत दिवस कैंपस कॉलेज के अंदर मनाया जा रहा है, और क्या गलती है? माँ दुर्गा के बारे में इतनी गलत नहीं कह सकते, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसको सब लोग आज इकट्ठे होकर के बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी ने उन चीजों का उल्लेख क्यों किया। मेरा ये कहना है कि उनका उल्लेख करने की आवश्यकता थी, लेकिन ममता काले मुझे पूरा करने दीजिए, वो इसलिए आवश्यक था क्योंकि बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बात जो पीछे हुई कि भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, भारत के टुकड़े कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और जब उन लोगों के बारे उनके ऊपर कार्यवाही हुई तो सब लोगों ने ये बोला, सारे विपक्षी नेताओं ने, कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम अपने देश को तोड़ने की आज बात करते हैं, उसी कैंपस के अंदर हम माँ दुर्गा के बारे में इस तरीके की बात करते हैं, और हम इन विद्यार्थियों को छोड़ देते हैं। मेरा कुछ सवाल है करके कि विचारों की अभिव्यक्ति का ममता काले प्रश्न से भटक रहा है पूरे का पूरा विपक्ष, पूरे विपक्ष ममता काले थोड़ा सा सुनने का मौका, पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के ये बात बोलनी चाहिए थी कि कैंपस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, चाहे ईश्वर के लिए हो, चाहे देवी देवता साबित हो गया। लेकिन ममता काले ये साबित हो गया, साबित हो गया ममता काले, हमारे यहाँ देश में कानून है, कानून व्यवस्था है, अदालत है, ये साबित हो गया ममता काले, ये साबित हो गया, ये साबित हो गया जो आप कह रही हैं, ये साबित हो गया, ये सब लोग देश विरोधी हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ये साबित हो गया, हमारे यहाँ अदालत है, कानून है, सब कुछ है, कानूनी कार्रवाई होगी, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन तो फिर कैसे आपने कह दिया, कैसे कह दिया आपने, ये कौन साबित करेगा, कौन साबित करेगा इसे? जी दयाराम आपके पास ही है, अगर वो गलत नहीं तो सही भी नहीं, ये कौन तय कर देगा? सवाल मेरा सुन ले ममता काले, एक मिनट, जिस महिषासुर दिवस के आयोजित करने वाले
के बारे में कहा जा रहा है, अनिल कुमार उसका नाम है, मेरे पास है पूरा आंकड़ा है, उसने साफ मना किया है कि यह पंफलेट स्मृति ईरानी जी संसद में जो पढ़ रही थी वो हमने नहीं लिखा था, हमने लिखा ही नहीं था। ये साबित करने वाले पटा तो था। हाँ तो क्या बता था फिर ममता चालीस जिसमें उदित राज भी शामिल हुए, मैं बार बार वही सवाल करूंगा, जिसमें उदित राज शामिल हुए, मैं बार बार वही सवाल करूंगा, जिसमें उदित राज भी शामिल हुए, बीजेपी के सांसद वो भी जी उदित राज बीजेपी के सांसद है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? उदित राज की कौन फिक्स करेगा? उदित राज को कौन फिक्स करेगा? उदित राज जो है वो उनका निजी मामला है जी। चलिए जी, आप जो देश उसकी बात कर रहे हैं, हर इंसान को आपसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? अभी अभी ईरानी जी ने कहा, आपने देखा होगा, देखिए मैं एक चीज सुनिए मेरे बात, महसासुर वाली बात आप कर रहे हैं कि हर चीज के अंदर ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि आप ये बताइए कि महसासुर के साथ कौन खड़ा हुआ है और मां दुर्गा के साथ कौन खड़ा हुआ है? अरे सबकी एक अपनी आस्था है, महसासुर के प्रति भी आस्था है, मां दुर्गा के प्रति तो सबकी आस्था है, ये क्या हर चीज आपके लिए आपके सर्टिफिकेट चाहिए क्या? ये एक्चुअली में क्या है कि 3 महीने के बाद जो चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस देश को बहुत पीछे ले जा रही है, आपको ये उठाया इनसे ज्यादा गलत काम हिंदुस्तान के अंदर जी जी नहीं दयाराम से आगे आखिर वो भी तो जल्दबाजी थी ना, राहुल गांधी तुरंत हो जाते हैं तो महमूद को पाकिस्तान छोड़कर गए, देशभक्ति की बात करेंगे तुरंत, ये बात करते जो हिंदुस्तान के अंदर दयाराम से आगे राहुल गांधी इतने जल्दबाजी को जल्दबाजी को ममता काले कविता अशोक, कविता अशोक एक मिनट एक मिनट एक मिनट वैसे हल्ला हुआ तो क्या आपको कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कोई समझ पा रहा है? हम बोलना चाहते हैं, कविता फिर आएंगे हिंगोले साहब के पास भी जाना है, जिसको भगवान राम को मानना है, भगवान राम को धोखा दे सकता है वो कैसे देशभक्त हो सकता है? कविता अशोक एक चीज मैं बता दूं, आज रोहित की मां राधिका बेमूला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्मृति ईरानी जी ये सीरियल नहीं है, रियल लाइफ है, तथ्य सामने लाइए, उन्हें तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये रोहित वेमुला के माँ की माँ का शब्द है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक्चुअली में जो हम कर रहे हैं ना अभी देश में, हम आपस में लड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो असली मुद्दा है वो डिसॉल्व हो जाता है। ये तो मैंने जब भी हम किसी टीवी डिबेट में भी आते हैं, गरीबी है, भुखमरी है, गरीबी है, मतलब ही नहीं है इसमें, ये देश में काम करना चाहते हैं लोग ऐसे ही सो जाते हैं, शहादत दिवस मनाना चाहिए आपके हिसाब से, दुर्गा देवी के लिए माँ दुर्गा के लिए उल्टी सीधी बातें बोलनी चाहिए, शर्मानी चाहिए, सबसे बड़ी माँ भारत माँ है, समझ में आ रही है क्या? हम क्या हिंगोले खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर उसी तरह शामिल हो तो वो निजी रहा है, मुझे मामला है, दूसरे तरह वो गलत है, चलिए ठीक है जी, हम ऐसे नागरिक हो जिनको शर्म से अपने आप पे रुचि करने
जी बिल्कुल, थोड़ा सा संयम बरतें और अपनी बात दूसरों तक पहुंचने का मौका दें। अगर इस तरह से हंगामा होगा तो कैसे आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे? मुझे नहीं समझ दर्शक दर्शक देख रहे हैं, चिल्ला के अपनी बात को तो नहीं किया जा सकता अस्थिर से या शांति के साथ नहीं बोलेंगे कैसे समझेंगे? जी बिल्कुल डीके गिरी, ये जो मुद्दा उठा महिषासुर का जिसके बारे में ममता काले भी कह रही हैं कि ये गलत बात है, ये एक चीज मुझे जरा समझाएं। ममता काले की बात से मुझे बड़ा अटपटा सा मामला लगा। उदित राज, फिर मैं वहीं आ जा रहा हूँ, बीजेपी के सांसद हैं, 2014 में बीजेपी ज्वाइन किए, इलेक्शन लड़ा, जीत गए। उदित राज 2013 में महिषासुर के शहीदी दिवस में जाते हैं तो ये उनका निजी मामला होता है, जब कोई दूसरा वहां ये सब काम करता है तो ये गलत है, ये जरा समझाया हमें। इसमें ये बीजेपी को ममता जी को ये जो आजादी देना चाहिए, जल्दी से टाइम नहीं है, आजादी देना चाहिए कि धर्म के बारे में भी लोग अपना अपना राय रखें, लेकिन किसी का मन ना करे, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाए। उदित राज जो है बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो SFI में थे, कम्युनिस्ट थे, उसके बाद वो बुद्धिस्ट बने, कोई हिंदुत्व ब्रिगेड के तो है नहीं हो, तो इसीलिए अगर महिषासुर में गए हो उनका वो विश्वास था गए, और बीजेपी को इस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि उनका पृष्ठभूमि देखिए, उदित राज का, उदित राज मेरा बैचमेट है, हम साथ पढ़े हैं, वो कम्युनिस्ट से शुरू किया, तो उदित राज का विचार को भी सम्मान करना चाहिए। वो गया महिषासुर का ये करने के लिए, दिवस मनाने के लिए, तो कोई गलत नहीं किया, ठीक है। जैसे रामायण को हम लोग कहते हैं, साउथ में रावण का पूजा होता है, धर्म का एक ही परिभाषा लेना और एक ही दृष्टिकोण रखना वो भी गलत है। चलिए जी, हिंगोले साहब, ये जो तमाम मुद्दे अभी चल रहे हैं इनसे अब हट करके थोड़ा सा आगे सोचने की जरूरत नहीं है? मैंने शुरू में ही कहा था कि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? ये अगर आप समझाना चाहते हैं लोगों को या समझना चाहते हैं तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो गवर्नेंस होता है, अधिशासन है, वो चलाने के लिए इस किस्म की बहुत तरह तरह की कसरत चलाने वालों को करनी पड़ती है कि जबकि वो कोई बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं तो उधर उनका ध्यान ना रहे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसा देते हैं कि वो भावनाओं में फंसकर तर्क वितर्क सब भूल जाते हैं। और तो ये हम सबकी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी, आप आगे आए दलित नेता है कहेंगे छोड़ो भाई ये सब मुद्दे, छोड़ो गरीबी पे बात कर लो, भुखमरी पे बात कर लो, बेरोजगारी पे बात कर लो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, बहुत हुआ। तो नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ कि ये हमको समझने की जरूरत है कि सरकार ऐसी चीजें क्यों होने देती है या फिर ऐसी चीजों को मीडिया में या चर्चा में या बहस में संसद में। सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार थोड़ी है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पूरी संसद ही मान लीजिए, आप पूरी संसद मान लीजिए क्योंकि उसको लीड तो सरकार कर रही है ना, उसको सरकार लीड कर रही है, तो विपक्ष जो है वो तो क्रिटिकल मुद्दों के ऊपर, जो जटिल मुद्दे उसके ऊपर चर्चा करना चाहेगी, जिसमें सरकार को दिक्कत होगी उनके सवालों का जवाब देने के लिए। सर शायद आप भूल रहे हैं कि विपक्ष ने ही ये रखा था कि हर विषय पर वार्तालाप होनी पड़ेगी, चाहे वो JNU का विषय हो, चाहे पठानकोट का हो, चाहे आरक्षण का विषय हो, सारे और चाहे कोई भी विषय हो, हर विषय पर डिस्कशन होगा, और इसलिए सरकार ने ये माना था, ये स्वीकार किया था सम्मान के, ठीक है हम हर विषय पर वार्तालाप करेंगे, आपको अगर सरकार की भी आलोचना करनी है तो आप करिएगा, आप सदन उसको चलने दीजिए। आप मुझे एक छोटा जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं उनके दे रही हूँ, मुझे देने दीजिए, मुझे देने दीजिए। अभी जो स्मृति ईरानी ने ये महिषासुर का जो रखा था, इसकी जगह GST बिल पर क्यों नहीं रखा के ये कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर पहले चर्चा करे, इस चीज को लेकर के हुआ है, इस चीज से हमें समाधान क्यों करने लगे? क्या कि जो सही पॉइंट है, आप मुझे याद ये बताइए, सही समाधान क्यों करने लगे?
बहस जेएनयू पे था इसीलिए आपके पास कुछ जवाब नहीं है सिवा साइड के आपके पास कुछ जवाब नहीं है आप सिर्फ जो समझते हैं कि हम जो करें वो ठीक है आपको कहने के लिए कोई मुद्दा न हो तर्क न हो तो आदमी अपनी आवाज बढ़ा देता है और चिल्लाने लगता है ये स्वाभाविक मानव स्वभाव है। पार्लियामेंट बैलेंस कर लिया मुद्दे के ऊपर संसद का समय आ रहे हैं और ये सोची समझी दोनों को भी पता है कि क्या कर रहे हैं ये देश का समय चलिए अब हमारे पास वक्त ही नहीं बिल्कुल प्रश्न स्मृति ईरानी जी ने और ये पूरा प्रकरण वहाँ पे रखा जिसकी आवश्यकता थी अब प्रश्न की कार्यवाही के लिए तमाम मुद्दों पे चर्चा और सकारात्मक भगवान राम का आपका है कविता साहब अपना दुर्गा मार के ना वैष्णव माप के पूरे हिंदू हिंदू है वो सभी है हिंदू के साथ साथ वो अपने मन से मानता है हर इंसान की है आप उसके अकेले ठेकेदार मत बनो उसके आप आपको ये है किसने देंगे कि आप दिन गुजारता है वो फिर रात में वो सो जाता है असली मुद्दा भूल गए बाल फालतू बहस में सब लगे चलिए फालतू बहस में लग गए असली मुद्दा भूल गए जिसके बारे में हमने पहले ही कहा कि गरीब जो होता है वो अपनी गरीबी से तरसता है भूखा जो है वो दो वक्त की रोटी तलाशता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कि यह कहा जा सकता है कि संसद की कार्यवाही इस बार भी बाधित रह सकती है जो अंदाजा लग रहा है यानी जनता की गाढ़ी कमाई यूं ही फिर चली जाएगी जो नहीं होना चाहिए था। सही कहा आपने। नमस्कार न्यूज़लाइन में इतना ही।